बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं पितृ पक्ष में शास्त्रों के अनुसार क्या दान करना चाहिए, क्या दान करने से आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पितृ पक्ष में हमारे जो पितृदेव हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं और ये देखते हैं कि उनके वंशज क्या कर रहे हैं, समाज में उनका क्या स्तर है, वो परिवार के मूल्यों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, कुल की मर्यादाएं निभा रहे हैं कि नहीं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं कि नहीं, अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो ध्यान देते हैं और ये अवश्य देखते हैं कि उनके जो वंशज धरती पर हैं वो अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ दान कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पितृपक्ष पितरों को समर्पित समय है। इस समय में जो अपने पूर्वजों को याद नहीं करता, जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता, उससे उसके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और श्राप देकर जाते हैं। तो इसलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में जिनका जिक्र है, शास्त्र जिन्हें दान करने के लिए कहता है। तो वही चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको क्या दान करना है पितृपक्ष में, जिससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और यदि उनका आशीर्वाद मिल गया तो वो आशीर्वाद बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे देवताओं की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे, क्योंकि पितरों को देव के तुल्य माना गया है, देव तुल्य माना गया है। तो इसलिए हमें पितरों का अच्छा आशीर्वाद मिले, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो हमें पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पितृपक्ष में काले तिल का दान करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि तर्पण करते समय, पिंड दान करते समय काले तिल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो जब भी आप तर्पण करें, पिंड दान करें, तो काले तिल का उसमें प्रयोग करें और हो सके तो काले तिल का दान भी करें, जितना आपका बजट अलाउ करे, एक पाव, आधा किलो, एक किलो जो है मंदिर में दान कर दें तो मंदिर में उसका प्रयोग हो जाएगा। हवन करने में जो है हवन सामग्री में काला तिल मिलाया जाता है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो आप काले तिल का दान कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है, आजकल मिलना भी मुश्किल होता है, तो आप तर्पण करने के लिए, पिंड दान करने के लिए अवश्य काले तिल का प्रयोग करिएगा। ऐसा माना जाता है कि काला तिल भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। तो जब आप काले तिल का दान करते हैं तो उससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए श्राद्ध करते समय, अपने पितृदेव का पूजन करते समय काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ पितरों को बहुत प्रिय है? पितरों को बहुत प्रिय है चांदी, सिल्वर। जी हाँ, उसकी वजह क्या है? ऐसा माना जाता है कि पितरों का निवास जो है चंद्रमा के ऊपरी भाग में होता है, जहाँ चंद्रमा है ना आकाश में, उसके ऊपरी भाग में कहीं पितृलोक है, वहाँ पितरों का निवास माना जाता है। इसलिए चांदी से बनी चीज़ें यदि दान की जाएँ तो बहुत शुभ मानी जाती है। तो आप अपने बजट के अनुसार चाहें तो चांदी से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। और पितृपक्ष में क्या दान कर सकते हैं? सबसे सस्ती चीज़ आपको बताते हैं जो अवश्य दान करिएगा, उससे पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, वो है गुड़ और नमक। जब आप भोजन सामग्री दान करेंगे ना, उसमें नमक अवश्य डालिएगा, जैसे चावल, दाल, आटा, घी, नमक, तो नमक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तभी तो भोजन में स्वाद आएगा, बिना नमक के कैसे स्वाद आएगा। तो एक तो नमक का दान करना है और दूसरा जो है गुड़ का दान करना है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में गुड़ और नमक का दान करते हैं, सिर्फ अकेले मत कर दीजिएगा गुड़ और नमक, उसके साथ भोजन सामग्री भी दीजिएगा, चावल, दाल, आटा, गुड़, नमक, घी, जीरा, हल्दी और कोई हरी सब्जी, आलू, जिससे कि पूरा भोजन तैयार हो सके, जिससे कि पूरी सब्जी, चावल, दाल इतना बन सके। तो ऐसी सामग्री दीजिएगा, उसमें गुड़ और नमक अवश्य रखिएगा। गुड़ और नमक का दान पितृपक्ष में बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग गुड़ और नमक का दान करते हैं तो पितरे उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, और यदि उस घर में क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा बहुत होता हो, अशांति बहुत रहती हो,
तो वो सब दूर होती है, सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है। इसके अलावा और आप क्या दान कर सकते हैं? शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि वस्त्र का दान भी बहुत शुभ माना जाता है पितृपक्ष में। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जिस तरह के वस्त्र आपके पूर्वज पहनते थे, मान लीजिए धोती कुर्ता पहनते थे तो आप धोती कुर्ता दे सकते हैं, कुर्ता पजामा पहनते थे कुर्ता पजामा दे सकते हैं, शर्ट पैंट पहनते थे तो शर्ट पैंट दे सकते हैं। जिसके निमित्त आप दान कर रहे हैं, जिस अपने पूर्वज के प्रति वो जिस तरह का वस्त्र धारण करते थे, उसी तरह का वस्त्र, बढ़िया क्वालिटी का, आप यही समझिएगा कि उन्हीं को दे रहे हैं, तो उस तरह का वस्त्र अपने पितरों के निमित्त दान करिए। इसके अलावा, वस्त्रों के अलावा, जूते या चप्पल और छाते का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जूता, चप्पल या छाता भी आप दान कर सकते हैं वस्त्र के साथ। ऐसा माना जाता है कि वस्त्र के साथ जूता, चप्पल और छाता का दान करने से राहु केतु यदि परेशान कर रहे हों तो वो परेशान करना बंद कर देते हैं। इस दान में इतनी शक्ति है। तो आप जो है वस्त्र यानी कपड़ा जो आपके पूर्वज पहनते थे वो उसके साथ ही, पैरों में वो यदि जूता पहनना पसंद करते थे तो जूता, चप्पल पहनना ज़्यादा पसंद करते थे तो चप्पल, और साथ में छाता अवश्य दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि राहु केतु की वजह से यदि आपके जीवन में परेशानी है तो उससे भी राहत मिलेगी। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। पितृपक्ष में आपके पितृदेव आप पर प्रसन्न हो, आपका आने वाला समय शुभ हो। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए अष्टतक। जय श्री कृष्ण।